आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारा अभी जो वायरिंग चल रहा है घर का नया ट्रेंड। हम लोग सब मॉड्यूलर वायरिंग करते हैं अभी घर पे सब। तो मॉड्यूलर वायरिंग के लिए हमारा क्या होता है ना, मॉड्यूलर जीआई बॉक्स की ज़रूरत पड़ता है। ये जो जीआई बॉक्स है उसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा मॉड्यूलर बोर्ड, और जो बोलते हैं हम टू मॉड्यूलर बोर्ड, थ्री मॉड्यूलर बोर्ड, तो इस जो मॉड्यूलर बोर्ड का क्या साइज होता है, हम साइज देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये कितने मॉड्यूलर है, टू मॉड्यूलर है या थ्री मॉड्यूलर है। आपको मैं पहले बता देता हूँ मॉड्यूलर कितने साइज रहता है। ये जैसे ये हो गया टू मॉड्यूलर, ये हो गया थ्री मॉड्यूलर, फोर मॉड्यूलर, उसके आगे आता है सिक्स मॉड्यूलर, सिक्स मॉड्यूलर के ऊपर आता है एट मॉड्यूलर, एट मॉड्यूलर के ऊपर आता है ट्वेल्व मॉड्यूलर, ट्वेल्व मॉड्यूलर के आगे आता है सिक्सटीन यानी सोलह मॉड्यूलर, और उसके आगे आता है अठारह मॉड्यूलर। अठारह मॉड्यूलर मतलब इसमें हम अठारह पीस स्विच लगा सकते हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताता हूँ कौन सा मॉड्यूलर का साइज़ क्या रहता है। एक बोर्ड में तीन साइज रहता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हो गया देखिए टू मॉड्यूलर। इसका जो साइज़ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका लेंथ हो गया 8 cm और उसका ब्रेथ हो गया 7.5 cm और इसका जो डेप्थ है ये हो गया, जो डेप्थ यानी इसका हाइट ये हो गया 4.5 cm। ये हो गया टू मॉड्यूलर। इसी साइज से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो बोर्ड है टू मॉड्यूलर है। और ये जो दिखा रहे हैं बोर्ड ये एंकर कंपनी का है, ऐसा बहुत कंपनी का आता है, जैसे लीग्रैंड एक कंपनी है, हाबेल्स एक कंपनी है, सब कंपनी का अपना अपना जीआई बोर्ड आता है। ये हो गया टू मॉड्यूलर। इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको थ्री मॉड्यूलर, उसका क्या साइज़ रहता है। थ्री मॉड्यूलर का जो लेंथ है देखिए ये हो गया 10 cm यानी 10 cm और उसका जो चौड़ाई है वो हो गया 8 cm और उसका जो डेप्थ है वो हो गया 4.5 cm। लगभग सब बोर्ड का, मॉड्यूलर बोर्ड का जो डेप्थ रहता है यानी ये गंभीरता हाइट ये सेम रहता है, लेकिन उसका जो लेंथ और ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई में चेंजेस होता है। ये हो गया देखिए आपका, ये इसको हम बोलते हैं फोर मॉड्यूलर जीआई बॉक्स। इसका जो लेंथ रहता है 14 cm और उसका जो चौड़ाई है वो 8.5 cm यानी 8.5 cm। डेप्थ सबका वही सेम है, 4.5 से 5 तक रहता है, वही 2-3 cm आगे पीछे होता है। ये हो गया फोर मॉड्यूलर। इसे बोलते हैं सिक्स मॉड्यूलर, सिक्स मॉड्यूलर जी आई बॉक्स। इसका लेंथ देखिए कितना आ रहा है, इसका लेंथ जो है 21 cm और इसका जो चौड़ाई है वो 8 cm और डेप्थ वही है 4.5 से 5 यानी इसमें अभी 5 cm बता रहा है। ठीक है, डेप्थ को हम उतना ध्यान नहीं देंगे, हम हमेशा देखेंगे उसका लंबाई और चौड़ाई, पहले से मैं बता के रखा हूँ। इसके आगे देखिए ये हो गया 8 मॉड्यूलर जीआई बॉक्स। इसका लेंथ कितना है देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मेजर टेप की सहायता से, ये हो गया 23 cm यानी 23 cm और इसका जो चौड़ाई है वो हुआ 8 cm यानी 8 cm। इसको हम कहते हैं 8 मॉड्यूलर जीआई बॉक्स। इसके आगे आता है 8 के बाद 12 मॉड्यूलर जीआई बॉक्स, यानी इसमें हम लोग 12 स्विच लगा सकते हैं। इसका जो चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर और इसका जो चौड़ाई है वो हो गया 14 cm और डेप्थ जो है वही 5 cm। इसको कहते हैं 12 मॉड्यूलर जीआई बॉक्स यानी 12 मॉड्यूलर जीआई बॉक्स। इसके आगे आता है 12 के बाद आएगा 16 मॉड्यूलर जीआई बॉक्स। 16 मॉड्यूलर जीआई बॉक्स में देखिए यानी जिसको हम बोलते हैं 16 मॉड्यूलर जीआई बॉक्स, इसका लेंथ हो गया 23 cm 23 cm और इसका जो चौड़ाई है वो हो गया 15 cm 15 cm। डेप्थ वही सेम रहेगा 5 cm। ये हो गया हमारा
16 मॉडुलर यानी 16 मॉडुलर, इसमें हम 16 पीस स्विच लगा सकते हैं। और ये देखिए लास्ट, इसके आगे और मॉडुलर बोर्ड इससे ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, ये लास्ट है। इसका जो लेंथ है यानी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, और इसका जो चौड़ाई है वो भी 21 सेंटीमीटर। डेप्थ वही सेम रहेगा, 5 सेंटीमीटर, 5 से 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ये अपना हो गया 18 मॉडुलर यानी 18 मॉडुलर, इसमें हम 18 पीस स्विच लगा सकते हैं। ये आप आज आपको हम बताया मॉडुलर के ऊपर जानकारी और इलेक्ट्रिक के वायरिंग के ऊपर, और अलग अलग चीज़ मैं बताऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहीं अगर कुछ दुविधा है, समझने में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।